दोस्तों वो खुशी खबरी आ चुकी है, सूर्या की कंगवा मूवी का ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट आ चुका है, रिवील हो चुका है। खुद मेकर्स ने ये वाला वीडियो डाल के कंफर्म किया कि कंगवा मूवी की न्यू रिलीज डेट क्या होने वाली, क्या वो क्लैश करेगी, क्या वो उसकी जो रिलीज डेट है उसके हिसाब से वो 1000 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी या नहीं, इन सारे के सारे बातों के ऊपर एनालिसिस करेंगे हम। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और सब्सक्राइब का बटन यार प्लीज़ दबा दो, 300 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो, आपकी मर्जी रही तो जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट आप वो वीडियो देखिए मेकर्स ने रिलीज किया हुआ, ये ऑफिशियल वीडियो ना कि फैन मेड। हाँ दोस्तों ये ऑफिशियल वीडियो और इससे हमें ये पता चलता है कि कंगवा मूवी की न्यू रिलीज डेट जो है 14th November 2024 है। जी हाँ, नवंबर महीने के अंदर आने वाली, जिस महीने के अंदर सिंघम और भूल भुलैया आने वाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भूल भुलैया और सिंघम अगेन मूवी के साथ इसका क्लैश है, सिंघम अगेन और भूल भुलैया का क्लैश है। वो स्टार्टिंग में ही 1 या 2 डेट को ही वो रिलीज़ करेंगे सिंघम और सिंघम अगेन। ये दोनों मूवी 1 तारीख को ही रिलीज होगी और ये जो मूवी वो 14 तारीख को, मतलब बीच के जो 14 डे उसके समय में वो भूल भुलैया और सिंघम जो भी अच्छी निकलेगी वो पैसा कमा के चली भी जाएगी, उसका क्रेज खत्म हो जाएगा। जब वो 14 डेट को आएगी फ्रेश आएगी, 14 डेज बाद कुछ नई और बड़ी मूवी आ रही है तो लोग इसको देखने को जाएगी। लेकिन इसके आगे ही पुष्पा 2 बैठी है, लेकिन इसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा देखो, क्योंकि पुष्पा 2 और इस मूवी के बीच में जो अंतर है, गैप है, वो 22 डेज का है शायद से, मेरे हिसाब से मैंने तुरंत ऐसा कैलकुलेट किया, दिन गिनते नहीं बेटा, तो 22 दिनों का यहाँ पर गैप है और 22 दिनों के अंदर ये अच्छी खासी कमाई कर लेगी अगर इसकी स्टोरी, अगर इसके म्यूजिक, म्यूजिक यार बहुत बढ़िया है, इसके बारे में डाउट लेना है बकवास है। सूर्या का परफॉर्मेंस और बॉबी देओल का परफॉर्मेंस ये भी नो डाउट बढ़िया होने वाले, इसके VFX विजुअल एकदम बढ़िया है, सिर्फ दिक्कत होने वाली स्टोरी से, अगर स्टोरी और हिंदी डबिंग। हाँ, ट्रेलर जो आया था और ये इसका पोस्टपोन करने का वन ऑफ द रीज़न इज हिंदी डबिंग, हिंदी डबिंग बहुत सारे लोगों को पसंद आया था इसलिए इसे पोस्टपोन कर दिया। अगर ये स्टोरी और हिंदी डबिंग ये दो चीज़ संभाल ले एकदम परफेक्टली कर दे मक्खन की तरह, नो डाउट ये मूवी 800-900 करोड़ के क्लब के अंदर जाएगी ही जाएगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट में बताना, और 22 दिनों के अंदर ये उतना कर ही लेगी और 22 दिनों के बाद भी पुष्पा अगर रिलीज हुई तो एक मूवी तो चल ही सकती है। पुष्पा अगर दिन के अब 80-90 करोड़ कमा रही है तो ये कम से कम 10 करोड़ तो कमा सकती है, क्लैश कर रही है, मतलब इसका मतलब नहीं कि पुष्पा 2 पूरे के पूरे थिएटर से खा जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छे खासे चलने के चांसेस है, मेकर्स ने जो है परफेक्ट डिसीजन लिया है, हमेशा वो पोस्टपोन करते हुए 2030 से खबर आ रही थी कि 2030 में ये रिलीज होगी, खबर आई 2024 के समर में ये रिलीज होगी, फिर खबर आई ये 2024 के अक्टूबर महीने में रिलीज हुई और वहाँ से पोस्टपोन हो गया। अब ये खबर आ रही कि 14 नवंबर को ही रिलीज होगी। मेकर्स ने ज़्यादा पोस्टपोन ना करते हुए, फैंस की सुनते हुए अगले साल शिफ्ट ना करते हुए इसी साल के नवंबर महीने के अंदर रिलीज करने का जो डिसीजन लिया वो एकदम परफेक्ट है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट में बात कर सकते हैं, और नो डाउट यार ये 1000 करोड़ के आंकड़े को मुझे ज़रा डाउट हो रहा है क्योंकि 22 डेज बहुत ही कम यार 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करने के लिए। हाँ, बाहुबली और RRR ने बहुत ही कम समय में 1000 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था, फिर भी ये सूर्या की मूवी, आज तक सूर्या की मूवी ने ज़्यादा कलेक्शन नहीं किया है, विक्रम में किया था लेकिन उसमें उसका उनका सिर्फ केमियो है वो भी 400-500 करोड़ गई थी, उसके आगे नहीं गई। अब फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि अच्छी खासी मूवी होने के बाद पैन इंडिया पैन वर्ल्ड रिलीज़ हो रही है तो 800-900 करोड़ के आंकड़े को ये मूवी टच कर पाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट में बात कर सकते हो, और बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वाई पी रिव्यू यूट्यूब चैनल, हम मिलते हैं अगले, बाय बाय, जय हिंद।